जैसे जैसे दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दुनिया में एक सूर्य ग्रहण का साया भी दिखाई देने वाला है, जो 25 अक्टूबर 2022 को पड़ने वाला है। यह 2022 का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में दिवाली के त्यौहार के साथ सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह के भ्रम भी पैदा हो रहे हैं कि इस साल दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश पूजन करना शुभ होगा या नहीं, इस दौरान कैसे पूजा करें आदि ऐसे कई सवाल हैं। आइए जानें। सूर्य ग्रहण प्रकृति की सबसे शानदार घटना है। आंशिक सूर्य ग्रहण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में तब होता है जब चंद्रमा की छाया का केंद्र पृथ्वी से चूक जाता है। बताएं आपको कि सूर्य ग्रहण यूरोप, पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के उत्तर पूर्व से दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण 2022 तिथि और समय इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम 5:12 पर शुरू होगा और शाम 5:56 पर सूर्यास्त के साथ समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का अनुमानित समय लगभग 44:12 का है। सूर्य ग्रहण से पहले का एक विशेष समय अशुभ माना जाता है और इसे सूतक के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक के दौरान किसी भी हानिकारक दुष्प्रभाव से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। दृक् पंचांग के अनुसार सूतक 25 अक्टूबर 2022 को प्रातः 3:08 से शाम 5:56 तक रहेगा। नरक चतुर्दशी और दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार दिवाली, लक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजा पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण सिद्धियों के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है और ऋषियों ने इसे सिद्धि काल नाम दिया है। ग्रहण के बीच भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से और श्री कृष्ण ने संदीपन गुरु से अभिषेक प्राप्त किया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद होने वाले सूर्य ग्रहण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। आमतौर पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन अगर चंद्रमा गलती से सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ठीक से नहीं पड़ता। इस परिस्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।